सदर विधानसभा के तुंगल क्षेत्र के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां बगलामुखी मंदिर सेहली में हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी बगला जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। यह जानकारी माता बगलामुखी के पुजारी अमरजीत शर्मा ने दी। अमरजीत शर्मा ने कहा कि माता बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में 8वां स्थान दिया गया है और माता बगलामुखी को कलयुग में चमत्कारी प्रभाव देने वाली देवी मानी गई है। उन्होंने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बगलामुखी जयंती पर 27 अप्रैल को माता बगलामुखी मंदिर परिसर में विभिन्न भजन मंडलियों द्वारा माता की महिमा का गुणगान किया जाएगा और रात 12 बजे के बाद जाग का आयोजन भी मंदिर परिसर में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 28 अप्रैल को मंदिर में हवन यज्ञ किया जाएगा और उसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन मंदिर कमेटी द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी भक्त सच्चे मन से बगलामुखी माता से मनोकामना मांगते हैं, माता बगलामुखी उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। उन्होंने सभी भक्तों से आग्रह किया है कि माता बगलामुखी की जयंती पर बढ़ चढ़कर भाग लें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। तुंगल क्षेत्र के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां बगलामुखी मंदिर सेहली में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बगला जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। बगला जयंती के उपलक्ष्य में 27 अप्रैल की रात को माता के मंदिर में सारी रात जो है विभिन्न भजन मंडलियों के द्वारा जागरण का आयोजन होगा तथा 27 अप्रैल की रात को 12 बजे माता के मंदिर में मां की पूजा अर्चना होगी व जाग का आयोजन होगा। 28 अप्रैल की सुबह जो है बगला जयंती के उपलक्ष्य में माता के मंदिर में हवन पाठ किया जाएगा तथा उसके उपरांत मां के मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन होगा। इस अवसर पर माता के मंदिर में मां के दर्शन करने से सभी भक्तों की मनोकामना जो है पूर्ण होती है। माता बगलामुखी कलयुग में चमत्कारी प्रभाव देने वाली देवी मानी गई है। 10 महाविद्याओं में माता बगलामुखी का 8वां स्थान है। इस मंदिर में हर वर्ष जो है बगला जयंती के उपलक्ष्य में जो बगला जयंती है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है और भक्तजनों के लिए रात को भी जो है रात्रि भोजन का आयोजन किया गया है। तो सभी भक्तजन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मां के मंदिर में आएं और इस पुण्य के भागीदार बने। जय माता दी। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।